हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। दिखाते हैं आपको फटाफट हरियाणा। प्री बजट बैठक का आज तीसरा दिन, आज भी बजट पर चर्चा की गई। कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। विधानसभा का बजट सत्र 13 दिनों तक चलेगा। 28 फरवरी को पेश होगा हरियाणा का बजट। 21, 22 और 23 फरवरी को नहीं होगी कार्यवाही। खेल जगत में फिर से भारत का डंका बजा है। इस बार सोनीपत के डबरपुर गांव के पहलवान सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन के 87 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। सुनील ग्रीको रोमन में स्वर्ण जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। रोम रैंकिंग सीरीज के रजत पदक विजेता सुनील ने फाइनल में किर्गिस्तान के अजत सालिदिनोव को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से करारी शिकस्त दी। सुनील को 2019 में फाइनल में हराकर रजत पदक से संतुष्ट करना पड़ा था, लेकिन इस बार वो अपने पदक का रंग बदलने में कामयाब रहे। इसके साथ ही सुनील ने ग्रीको रोमन में स्वर्ण पदक जीतने के भारत के 27 साल के सूखे को समाप्त कर दिया है। सुनील से पहले पप्पू यादव ने ग्रीको रोमन के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। सुनील कुमार के स्वर्ण पदक जीतने पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है। सीएम ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि हमारे खिलाड़ी हमारी शान देश का बढ़ा रहे हैं, हमारा मान बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ट्वीट किया कि हरियाणा के प्रसिद्ध पहलवान सुनील कुमार को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में 27 साल में पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जींद से विधायक कृष्ण मिड्ढा के घर से महज कुछ दूरी पर सोमवार देर रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जिस घर में चोरी की गई वो परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। चोर घर में घुसे और 28 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। मामले पर विधायक का कहना है कि उन्होंने डीएसपी एसपी से इस बारे में बात कर जल्द कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में अवैध खनन को लेकर प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। इसी कड़ी में माइनिंग विभाग ने नांगल चौधरी में अवैध खनन पर छापेमारी की है। माइनिंग डायरेक्टर अमिताभ ढिल्लो के आदेश पर गठित एसआईटी की टीम ने छापेमारी के दौरान कृष्णावती नदी से अवैध खनन करते 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। वहीं एसआईटी की कार्रवाई को देख खनन माफिया जेसीबी मशीन लेकर मौके से फरार हो गए। दरअसल माइनिंग विभाग चंडीगढ़ को नांगल चौधरी क्षेत्र में लगातार अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी। गुरुग्राम से आई टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी कर रहे बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर इंपाउंड किए। फरीदाबाद की झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग चिंतित हैं। उनकी चिंता का कारण आशियाना प्रशासन की तरफ से झुग्गी को हटाने के आदेश दिए गए थे। हालांकि डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद फिलहाल कार्रवाई को टाल दिया गया, लेकिन डर तो अभी भी बना हुआ है। ऐसे में यहां के लोगों को पूर्व मंत्री विपुल गोयल की याद आ रही है। लोगों का कहना है कि अपने कार्यकाल में विपुल गोयल करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए। लोगों का कहना है कि वो अभी भी विपुल गोयल को ही अपना नेता मानते हैं। रेवाड़ी में अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण महासंघ ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब के संविधान में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। लोगों का कहना है कि सरकार अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अन्याय करने पर उतारू हो गई है और अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर विचार करना होगा। इस बारे में जब महासंघ के एक कार्यकर्ता से सवाल किया गया, सरकार भी कहती है कि नौकरियां मेरिट के आधार पर होनी चाहिए तो प्रमोशन भी मेरिट या योग्यता के आधार पर क्यों नहीं। इस सवाल को सुनते ही वो मीडिया पर भड़क गए। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से आवंटित पेट्रोल पंप के मामले में पानीपत में काफी अनियमितताएं देखने को मिल रही है। जगह जगह पर नए पेट्रोल पंप खुल रहे हैं। इन पेट्रोल पंप को कहां खोला जा रहा है इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा। आलम यह है कि नियमों की अवहेलना करते हुए पेट्रोल पंप को स्कूल के आसपास और अस्पताल के बिल्कुल नजदीक खोला जा रहा है। इतना ही नहीं, अधिकारी भी बिना जांच पड़ताल के पेट्रोल पंप के लिए एनओसी जारी कर रहे हैं। हालांकि पेट्रोल पंप संचालक सभी विभागों से पेट्रोल पंप को एनओसी मिलने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप के बिल्कुल चार दीवारी के पीछे छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है। पेट्रोल पंप के 20 फुट की दूरी पर एक निजी अस्पताल भी चल रहा है। राय औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में सफेदी का काम करवा रहे ठेकेदार की मजदूरों ने गला दबाकर हत्या कर दी। ठेकेदार का शव फैक्ट्री के तीसरी मंजिल पर मिला। बता दें कि ठेकेदार के हाथ पैर और मुंह पर कपड़ा बांधा गया था। ठेकेदार का मोबाइल और बाइक भी गायब मिला। पुलिस ने ठेकेदार के बेटे के बयान पर 3 मजदूरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया।
ठेकेदार के बेटे ने आरोप लगाया कि उसके पिता के पास काम करने वाले तीनों मजदूरों के साथ उसके पिता का पैसों को लेकर लेनदेन था। इसी लेनदेन में उसके पिता के साथ हुए झगड़े के बाद उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पानीपत में गोताखोरों ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहा, हम 24 घंटे प्रशासन की मदद के लिए तैयार रहते हैं। जहां प्रशासन हमें भेजता है वहां चले भी जाते हैं, मगर प्रशासन ने हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं। गोताखोरों का कहना है कि कई बार अवैध हथियारों का जखीरा भी हमने नेहराव से निकाला, लेकिन आज हमारा एक साथी हमें छोड़कर चला गया तो यहां प्रशासन का कोई नुमाइंदा तक नहीं आया। प्रशस्ति पत्र एक बार देकर प्रशासन ने हमसे मुख मोड़ लिया। आज हम दाने दाने को मोहताज हैं, हमारे लिए कोई भी काम नहीं है। हमने अपनी आधी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी, सैकड़ों लोगों को जीवन दान दिया। जिला टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने सभी तहसीलदारों को पत्र भेजकर पिछले 5 साल की रजिस्ट्री चेक करवाने के आदेश दिए हैं। वहीं जिले भर के सभी तहसीलों में कार्यरत तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि आदेशों पर रोक लगाई जाए। साथ ही कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा पहले से ही इस तरह की जांच की जा रही है कि कहां कहां अवैध कॉलोनियां हैं और उनकी रजिस्ट्री हुई है। गुरुग्राम में 33 वर्षीय महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद किया गया। महिला के पति पर हत्या का शक जताया गया। मृतक महिला का पति घटनास्थल से फरार। अभी तक की जांच में सामने आया कि अवैध संबंधों के चलते पति ने पत्नी की हत्या की। महिला के शव को अपने कब्जे में रखकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। लुहाना वाल्मीकि चौक पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार ट्रक के नीचे आग घुसा, जिसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था और बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। घटना टोहाना वाल्मीकि चौक की है। 32 वर्षीय संदीप कुमार टोहाना के पास लगते गांव खड़वाल विधानसभा नरवाना जिला जींद का रहने वाला था। किसी काम के लिए टोहाना अपनी बाइक से आया हुआ था, तभी यह हादसा हुआ। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में ले लिया। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया है। फरीदाबाद के गांव इमामुद्दीन पर पूर्व सरपंच द्वारा कराए गए अवैध कब्जों का मामला ग्रीवेंस कमेटी में उठने के बाद अवैध कब्जों को हटाने के लिए यूटी मजिस्ट्रेट सहित पूरा प्रशासन वापस लौटा। गांव वालों ने प्रशासन पर खानापूर्ति का आरोप लगाया। कुख्यात बदमाश हरिओम गिरफ्तार। रिवाड़ी के भरथल गांव में शादी समारोह में गोलियां चलाकर हत्या करने वाले कुख्यात बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम के बसई गांव का रहने वाला कुख्यात बदमाश हरिओम ने अपना खुद का गैंग भी बना लिया। अपने चचेरे भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ही उसने शादी समारोह में अपने ही गांव के लोगों पर हमला किया था। गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई थी और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बदमाश हरिओम को अपराध शाखा टू पुलिस ने बामजौली गांव से अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पिस्तौल के साथ 2 जिंदा राउंड भी पुलिस ने बरामद किया। डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि हरिओम पर पहले भी हत्या का एक मामला दर्ज हुआ था। महाशिवरात्रि हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इससे पहले कई प्रदेशों के शिवभक्त हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगाजल लेकर आते हैं। अपने अपने शहर में पहुंचकर शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। शिवभक्तों का मानना है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ज्यादातर कांवड़िया हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हैं। शिवभक्तों ने भी जगह जगह कांवड़ियों के ठहरने के लिए शिविर लगाए हुए हैं, जहां पर इनके नहाने और खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है। जहां पर कांवड़िए कुछ समय विश्राम कर अपने शहर को चले जाते हैं, शिव भजन गाते, भोलेनाथ के जयकारे लगाते, कांवड़िए जहां से भी निकलते हैं सारा माहौल शिवमय हो जाता है। पिछले 2 वर्ष से प्रदेश में सीएम अनाउंसमेंट के तहत चल रहे राहगीरी कार्यक्रम पर राज्य सूचना आयोग ने प्रदेश सरकार को उसमें पारदर्शिता के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की सिफारिश की है। आयोग ने इन सिफारिशों पर सरकार से 3 माह में रिपोर्ट भी तलब किया। 4 फरवरी को मुख्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल ने राहगीरी कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करके आमद खर्च को उचित रिकॉर्ड रखने, खातों का ऑडिट करवाने और आयोजन कमेटी के गठित करने की आदि सिफारिश की है। इन सिफारिशों को आरटीआई एक्ट के सेक्शन 25(5) के तहत विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भेजते हुए मुख्य सूचना आयुक्त ने 3 माह में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है। सिफारिशों के साथ आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा डीजीपी और एसपी पानीपत कार्यालय में इसी मुद्दे पर लगाई आरटीआई आवेदनों की प्रतियां भी भेजी है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। नमस्कार।